गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रेमेडियल हिंदी में आज हम प्रश्न एक में निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये अशुद्ध शब्द है, मतलब ये इनमें कुछ कुछ गलती हैं और इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहले वाला राष्ट्र, इसको सही करके लिखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा, जैसे कि इसमें हमने ऊपर मात्रा लगाई थी लेकिन ये ऊपर नहीं आएगी, इसमें हमें नीचे लगाएंगे। कर्म, कर्म सही ऐसे करके लिखा जाएगा। वर्षा ऐसे लिखी जाएगी, ऊपर मात्रा आएगी। मातृभूमि में त के नीचे मात्रा आएगी, भूमि, मातृभूमि। पृथक में ऐसे लिखेंगे हम। उपलक्ष्य ऐसे लिखेंगे, आधा अक्षर क्षत्रिय आएगा और पीछे य आएगा। भिक्षुक क और क्ष क्षत्रिय की जगह क्ष क्षत्रिय के नीचे छोटे की मात्रा आएगी। क्षमा क्षमा होती है। पूजनीय, इसमें प में बड़े ऊ की मात्रा आएगी जब हम सही करके लिखेंगे। नक्षत्र, इसमें न क्षत्रिय और त्र त्रिशूल। तो ऐसे ही हम अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखेंगे। उसके बाद वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह हिस्सा जिसके बारे में बात की जा रही हो, वह क्या होता है? उद्देश्य, यानी कि सब्जेक्ट। और विधेय, उद्देश्य के बारे में जो बात हो रही होती है उसे क्या कहते हैं हम? विधेय। दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छाटिए। नंबर एक, रतन सुशील लड़का है। इसमें हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? रतन के बारे में। तो हमारा उद्देश्य क्या है? रतन। और बाकी सुशील लड़का, ये क्या हमारा? विधेय। मतलब हमने उद्देश्य के बारे में क्या बात की है वो विधेय होता हमारा। मेरा छोटा भाई शैतान है, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरा। उद्देश्य हुआ मेरा, विधेय छोटा भाई शैतान है। नंबर तीन, कोयल आम के पेड़ पर बैठी है। उद्देश्य क्या है इसमें? कोयल, क्योंकि हम इसमें कोयल के बारे में बात कर रहे हैं। और बाकी आम के पेड़ पर बैठी हमारा क्या है? विधेय, यानी हमने कोयल के बारे में क्या बात की है कि वो आम के पेड़ पर बैठी है। ऐसे हम किसी भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय को बता सकते हैं कि कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय। थैंक यू।